रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बराड़ा में दिन प्रतिदिन आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। आवारा पशु दिन रात झुंड के झुंड बनाकर सड़कों और गलियों में घूम रहे हैं, जिससे लोगों में खौफ बना हुआ है। इन आवारा पशुओं के कारण कस्बे में पहले कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है। अब फिर एक आवारा पशु ने बराड़ा बाजार में एक आदमी को उठाकर बुरी तरह पटक दिया। गनीमत रही कि व्यक्ति की जान बच गई। आवारा पशु के हमले से कस्बा वासी सहमे हुए हैं। कस्बा वासियों ने सरकार से गुहार लगाई है कि आवारा पशुओं पर अंकुश लगाया जाए, उनको इस समस्या से निजात दिलाई जाए। बराड़ा से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा की रिपोर्ट। नाम प्रदीप कुमार है जी, मैं सिंहपुरा बराड़ा से। तो ये ऐसा है जी, जैसे जानवर यहाँ पे घूमते रहते हैं तो इनसे लोग ज़्यादा परेशान हैं। कहीं नुकसान भी किया लोगों का, जैसे लोग मारे भी गए हैं कहीं, और इनसे काफ़ी परेशान है ये लोग हर तरह से। गलियों में आप रोड पे देख लो या किसी चीज़ पे देख लो, सब यही हाल है। बाकी प्रशासन ये हमारी ये है, हमारी तरफ से भी अपना इनको सही स्थान पे गौशाला में कहीं भी भेजा जाए, बाकी ताकि लोगों को परेशानी ना हो। तो इससे पहले कोई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं जी? हाँ जी, काफ़ी हो चुके हैं, काफ़ी बार देखा भी हमने, सुना भी है लोगों से, अखबारों में जाती है। बाकी हम कहेंगे प्रशासन से इनके बारे में सोचे जरा, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। आपका? सर मेरा नाम अरुण कुमार छाबड़ा, सिंहपुरा बराड़ा कॉलोनी में रहता हूँ मैं। क्या समस्या है सांडों की? सर सांडों की समस्या ऐसी है कि ये सारा दिन यहाँ पे सांड बाजारों में घूमते रहते हैं और गलियों में घूमते रहते हैं। बहुत सारे सांड यहाँ पे मंडी गेट पे इकट्ठे होते हैं, लोगों का आना जाना जो है बहुत मुश्किल हुआ है बड़ा है। और गलियों में सांड घुस जाते हैं और बच्चे भी मेरे को ये बोलते हैं कि अंकल सांड गलियों में खड़े हैं कि भी हमें अपने घर पहुँचा दो। और सर मैं उन कई बच्चों को उनके घर तक पहुँचा के आता हूँ। और कई सांडों ने तो यहाँ पे लोगों की जान भी ले ली है। एग्जाम्पल के रूप में मेरे को नाम तो नहीं पता, लेकिन एक का नाम पता है, हमारे पड़ोस में श्री राम जी थे करियाने वाले, बिल्कुल स्वस्थ थे, उसको सांड ने अपने सिंगों पे उठा के पटक दिया। तो सर किसी भी तरह नायब सिंह सैनी से मैं ये अपना निवेदन करता हूँ कि भाई सर ये सांडों से हमारे को निजात दिलाई जाए। सारा दिन यहाँ पे सांड घूमते हैं, एक्सीडेंट में भी कभी कोई स्कूटर वाला गिरता है, कभी कोई लेडीज़ गिरती है, कभी कोई कार वाले से भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो सर नायब सिंह सैनी से एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ से बराड़ा वालों को सांडों से निजात दिलाई जाए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।